हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पटियाला सलवार। ये देखिए, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, इससे हम पटियाला सलवार बनाएंगे। बहुत ही आसान है पटियाला सलवार बनाना, तो चलिए हम इसका नाप लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डबल फोल्ड है, हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसकी चौड़ाई 8 इंच है और इसकी लंबाई 20 इंच है। इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। ये मैंने बेल्ट निकाल लिया, इसको हम साइड में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कपड़े को ऐसे कर देंगे, ऐसे फोल्ड किए हैं। अब इसको हम सीधा रख लेंगे। ये मेरा कपड़ा पूरा सीधा है। ऐसे फोल्ड करेंगे, हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये डबल फोल्ड में है। ये 8 इंच का है। हम पूरे सलवार की लंबाई 40 इंच रखेंगे, 40 इंच पे रखेंगे। इसको हम कट करके निकाल लेंगे। हम यहां से कट करना शुरू करेंगे। ये सीधा वाला जो लगता है सलवार में सीधे साइड का, वो है, इसको हम रख देंगे। ये हम यहां से 8 इंच लगाएंगे। यहां से ध्यान रहे, ये ज्वाइंट वाला जो है इस साइड से हम लगाएंगे। और देखिए इधर से जो ये खुला वाला है, इस साइड से हम 8 इंच लेंगे। ऐसे हम टिक कर देंगे, यहां टिक कर दिए। अंदर हम 2 इंच लेंगे, 2 इंच हम अंदर लेंगे। यहां से हम निशान लगा लेंगे ऐसे। यहां से भी हम 2 इंच अंदर लेंगे, यहाँ निशान लगा लिए। इसको हम ऐसे रखते, यहां से हम ऐसे रखेंगे इसको। देखिए हम ऐसे रखेंगे इसको, यहां से हम ऐसे कर देंगे, निशान लगा लिए। अब यहां से हम कट कर लेंगे। कट चुका है, अब इसको हम ऐसे रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सलवार कट के रेडी है, मैंने पूरा इसको रख दिया है। अब हम दिखा रहे हैं इसकी सिलाई कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सीधे साइड में हम ऐसे रख लेंगे। ये देखिए, बीच का ये पीस है, ये मेरा बेल्ट है, ऐसे उस साइड में है, दूसरे साइड में भी। अब बेल्ट हम रख लेंगे साइड में। सबसे पहले हम इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों पीस को हम ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। फिर हम इस साइड में हम इसे ऐसे लगा लेंगे, इस साइड में हम इसे ऐसे लगा लेंगे, दोनों साइड में। तो चलिए फिर हम लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल के रेडी है चारों तरफ का।
इसे अब इसमें हम चुन्नट डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे चुन्नट डालेंगे इसमें। इधर से हम 5 इंच इधर से हम लेंगे, उधर से 5 इंच। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं कि आपको कितना रखना है। तो हम 5 इंच इधर से लेंगे। हम चलिए चुन्नट लगा के दिखाते हैं। ध्यान रहे कि हमें इधर से बनाना है और इधर से हम ऐसे बनाएंगे। देखिए दोनों साइड से हम एक साइड से ऐसे बनाएंगे, एक साइड से हम ऐसे बनाएंगे। दोनों साइड का चुन्नट एक तरफ ही होना चाहिए। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चुन्नट बना लिया है। अब हम बेल्ट बनाएंगे इसे। तो अब पीछे साइड में भी आप दो दो चुन्नट डाल देंगे। ये देखिए मेरे पीछे साइड का है, मैंने इधर से दो प्लेट डाला है मैंने, और फिर इधर से भी दो प्लेट। ऐसे ही आप भी डाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसका बनाएंगे। ये बेल्ट है इसका। तो सबसे ये बेल्ट देखिए ऐसे है, हम ऐसे इसको रखेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट को यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से हम सिलाई चला लेंगे, फिर इतना 1 इंच के करीब में हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ नीचे हम पूरा सिल लेंगे, सिल के और हम बेल्ट को, ये बेल्ट मेरा है ऐसे। अब बेल्ट को हम सीधा करके, ध्यान रहे बेल्ट हम सीधा कर लेंगे। और फिर हम ये सीधे साइड, ये सलवार में मेरा सीधा रहेगा, हम ऐसे रख के हम इसको, हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं इसमें। फ्रेंड्स ये बेल्ट मैंने लगा लिया। ये देखिए बेल्ट, आप ध्यान रहे बेल्ट लगाने के बाद ऊपर सिलाई जरूर चलाएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने ये डाड़ा डालने के लिए या इलास्टिक कुछ भी डाल सकते हैं आप। और नीचे ये मोहड़ी बनाने के लिए पाली बकरम थी, तो मैंने ये अलग चिपका लिया इस पर। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इस पर अब इसकी हम मोहड़ी तैयार कर लेंगे ऐसे ही। ज़्यादा सिलन चलाते हैं इस पर, तो चलिए हम मोहड़ी तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोहड़ी मैंने बना लिया है, बनके रेडी है। देखिए ये आप मोहड़ी, ये देखिए ये मोहड़ी रेडी है। अब इसको हम उल्टा करके, ऐसे हम उल्टा करके हम आपको दिखा रहे कैसे सिलाई चलाएंगे इसमें। ये सलवार है, यहाँ से हम इसकी मोहड़ी हम 6 इंच ये रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना चौड़ा रखना हो। हम 6 इंच रख रहे हैं। यहाँ से हम सिलाई ऐसे करके, यहाँ से हम सिलाई यहाँ से करना शुरू करेंगे। इधर से 1/2 इंच यहाँ से हम ऐसे करेंगे। हम टिक लगा दे रहे हैं, देखिए ऐसे हम यहाँ से हम ऐसे ऐसे सिलाई करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम सिल के दिखाते हैं आपको। ये सलवार सिल के रेडी है।